हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की मूवी है भविष्य से आए कुछ सोल्जर जो वर्तमान में रह रहे लोगों को भविष्य में एलियन से चल रहे युद्ध के बारे में बताते हैं और हजारों की तादाद में लोगों को भविष्य में लड़ने के लिए ले जाते हैं और उन्हीं में से कुछ आम आदमी एलियन का खात्मा कैसे करते हैं, ये सब आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहे अंत तक हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया शहर को देखते हैं जहाँ साल होता है दिसंबर 2022। फिर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम डैन फॉरेस्टर होता है। वह एक बायोलॉजी का टीचर होता है और उसका एम आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी में जाना का होता है। वह अपने घर कुछ सामान लेकर जाता है और वह अपनी बेटी और पत्नी से मिलता है, मगर उसे कुछ काम होने की वजह से बाहर जाना होता है। तो वह अपनी फैमिली से मिलकर घर से बाहर जाता है और इसी बीच डैन को एक कॉल आती है कि आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी के लिए उसके जगह किसी और को रख लिया गया है। इस न्यूज को सुनकर डैन निराश हो जाता है क्योंकि उसका एम पूरा नहीं हो पाता। वह दोबारा घर के अंदर जाकर अपनी बेटी मूरी और अपनी पत्नी इमी के साथ बैठता है और टीवी पर चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप को देख रहा होता है, मगर अचानक से फुटबॉल ग्राउंड पर एक वार्म होल खुलता है जिसमें से बहुत सारे हथियारबंद सोल्जर निकलते हैं। फिर हम उनके लीडर को देखते हैं जिनका नाम हार्ट होता है। वह बताती है कि वह लोग साल 2051 से आए हैं और उनकी वहाँ जंग छिड़ी है, वह भी एलियन के साथ। और वह बताती है कि भविष्य में आज से 12 महीने बाद धरती पर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा अगर लोगों ने उनकी मदद नहीं की तो। वह कहना चाहती है कि प्रेजेंट के लोग भविष्य में जाकर उन एलियन से लड़े और उनकी मदद करें। उस लेफ्टिनेंट की बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि न्यूज चैनल पर उन सोल्जरों की बातें चल रही होती है। फिर हम डैन को देखते हैं जो अपने स्कूल में क्लास ले रहा होता है और उसके लेक्चर पर किसी स्टूडेंट का ध्यान नहीं होता और सभी परेशान होते हैं। फिर डैन अपने स्टूडेंट से दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए कहता है और तभी एक मार्टिन नाम का लड़का प्राचीन ज्वालामुखी के बारे में पूछता है, पर तभी दूसरे स्टूडेंट भविष्य में चल रही जंग के बारे में पूछते हैं और हजारों की तादाद में भविष्य में ले जा रहे लोगों के बारे में भी, क्योंकि वहां से मात्र 30% लोग लौट पा रहे होते हैं और इसी बात की चिंता उन सभी स्टूडेंट को सता रही होती है। इस पर डैन बोलता है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ साइंटिस्ट ही पता लगा सकते हैं और इसके लिए उन्हें सोचना जरूरी है क्योंकि सोचने से ही सॉल्यूशन मिल सकता है। तभी डैन को इमरजेंसी मैसेज आता है। आगे हम देखते हैं कि डैन एक बिल्डिंग में होता है जहां कुछ मिलिट्री उसका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उसे भविष्य में लड़ने के लिए चुन लेते हैं। फिर डैन के हाथों में एक डिवाइस लगाया जाता है जो वॉर्म होल के द्वारा फ्यूचर में जंप करवाने में मदद करेगा और उसका लोकेशन बताएगा, चाहे वह पृथ्वी पर किसी भी जगह क्यों ना हो। डैन घर पहुंचकर इमी को जंप बैंड दिखाता है। इमी जंप बैंड को देखकर कहीं दूसरे जगह भाग जाने के लिए कहती है, मगर बैंड की वजह से डैन को ट्रैक किया जा सकता है तो इसलिए वह बैंड को निकालने के लिए अपने डैड जेम्स के पास जाता है जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं और वह सरकार से छुपकर अपना रोजगार चला रहे होते हैं। जेम्स उसे निकालने की कोशिश करते हैं मगर उनके बीच हो रही पारिवारिक बातचीत के कारण बहस हो जाती है, जिसके बाद डैन अपना हाथ खींच लेता है और बैंडेज को बिना अनलॉक करवाए चला जाता है। फिर डैन अपने घर जाकर इमी और मूरी को बताता है कि उसके पास जंग में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, पर वह अपनी फैमिली से वादा करता है कि वह 7 दिन में जरूर वापस लौट आएगा। फिर डैन जंग के लिए निकल पड़ता है और जाने से 7 दिन पहले उसे ट्रेनिंग दी जा रही होती है। ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाता है कि उन एलियनों को पेट और गर्दन पर वार करके मारा जा सकता है और फिर उन सभी को 2 ग्रुप में बांटा जाता है जो आर और डी फोर्स में विभाजित होते हैं। डैन आर ग्रुप में होता है और उसके ग्रुप में चार्ली नाम का एक बंदा डैन का दोस्त बनता है। फिर दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं, तभी उनके सामने लेफ्टिनेंट डार्ट और उसके साथी पहुंचते हैं। डार्ट बताती कि आर फोर्स में जितने भी लोग हैं उनका काम रिसर्च और अपनी नॉलेज को शेयर करना है ताकि उनके नॉलेज से एलियन को मारने का तरकीब मिले। फिर सभी ग्रुप रेस्ट कर रहे होते हैं और तभी वहां इमरजेंसी सायरन बजता है और सभी ग्रुप को जंपलिंग के थ्रू फ्यूचर में भेजने की तैयारी की जाती है। फ्यूचर में जाने से पहले डैन और चार्ली डार्ट से पूछते हैं कि उन्हें टाइम से पहले क्यों भेजा जा रहा है। इस पर डार्ट जवाब देती है कि वहां की आखिरी रिसर्च लैब पर व्हाइट स्पाइक ने हमला कर दिया है, इसलिए वह लोगों को जल्दी भेज रहे हैं। फिर सभी ग्रुप को जंपलिंग के थ्रू 2051 में भेजा जाता है, मगर कोऑर्डिनेशन के खराबी आने की वजह से ग्रुप एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुंचते और एक बिल्डिंग पर जाकर गिरते हैं जिससे आधे ग्रुप सही लैंडिंग न होने की वजह से मारे जाते हैं। ग्रुप में बचे हुए लोग जिसमें डैन भी होता है, उन्हें एक लेडी कमांडर ऑफिसर बताती है कि व्हाइट स्पाइक ने सारे शहर को घेर लिया है तो उन्हें रिसर्च टीम को अगले बिल्डिंग से रेस्क्यू करना है और वहां से 30 मिनट में निकलना होगा क्योंकि व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए पूरे शहर में बम गिराया जाएगा। फिर सभी मिलकर रिसर्च टीम को रेस्क्यू करने निकल पड़ते हैं और बचते बचाते लैब में पहुंचते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि सारी रिसर्च टीम मारी जा चुकी है और ककून बनकर टंगी है। डैन रिसर्च टीम की जानकारी कर्नल को बताता है। फिर कर्नल डैन और उसकी टीम से लैब में जाकर सारा हार्ड ड्राइव और कुछ महत्वपूर्ण केमिकल लाने का कमांड देती है। फिर डैन अपनी टीम के साथ लैब के अंदर जाकर सभी हार्ड ड्राइव और महत्वपूर्ण केमिकल लेता है। इधर बम गिराने के लिए जेट भी तैयार होते हैं और शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर डैन और उसकी टीम बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं
मगर उनका सामना व्हाइट स्पाइक से हो जाता है, जिसमें डैन की टीम के कुछ साथी मारे जाते हैं, पर वह सभी किसी तरह व्हाइट स्पाइक का सामना करते हुए उस बिल्डिंग से निकलकर बाहर आते हैं, मगर वहां भी सैकड़ों की तादाद में व्हाइट स्पाइक उन्हें घेरे होते हैं। और फिर डैन और उसकी टीम व्हाइट स्पाइक से लड़ते हैं, मगर वहां भी डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं। इधर फाइटर जेट भी शहर में दाखिल हो जाते हैं और बम गिराना स्टार्ट कर देते हैं। डैन और उसकी टीम सेफ जोन की तरफ बढ़ते हैं, मगर वह सभी बमबारी की चपेट में आ जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि डैन की आंखें एक टेंट के अंदर खुलती है और वह बमबारी से बच जाता है, और उसका दोस्त चार्ली भी, मगर उसके कुछ साथी मारे भी जाते हैं। फिर डैन और चार्ली टेंट के बाहर जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि वह एक मिलिट्री बेसमेंट में है। तभी डैन कर्नल से मिलता है और उसे बातें करता है, और इसी बीच उसे पता चलता है कि वह कर्नल उसकी बेटी मूरी फॉरेस्टर होती है। मूरी बताती है कि उसने ही आर ग्रुप को बनाया है और वह सभी ग्रुप की लीडर भी है। मगर डैन मूरी को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसके गले लगने की कोशिश करता है, पर मूरी उसे रोक लेती है और कहती है कि वह डैन को एक मकसद के लिए बुलाई है, तो इसलिए इमोशन को रोककर मकसद पर ध्यान देने को कहती है। फिर मूरी डैन को टेंट के अंदर ले जाकर एक फीमेल व्हाइट स्पाइक का फुटेज दिखाती है, और वह बताती है कि वह जमीन के अंदर घोंसला बनाती है और मेल स्पाइक उसकी रक्षा करते हैं, और वह मेल स्पाइक की तुलना में ज्यादा इम्यून है, क्योंकि जब उनके घोंसले पर जहर दिया गया तो सिर्फ मेल स्पाइक ही मरते हैं। तो इसी बात का पता लगाने के लिए मूरी फीमेल स्पाइक का सैंपल लेकर जहर बनाने की सोचती है, जिससे सारे स्पाइक को मारा जा सके। फिर मूरी डैन को स्पाइक के घोंसले तक चलने को कहती है और उसे फुल आर्मर देकर तैयार रहने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि डैन, मूरी और उसके पलटन फीमेल स्पाइक के घोंसले के लिए निकल पड़ते हैं। घोंसले में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि कुछ जवान फीमेल स्पाइक को रस्सी से पकड़े होते हैं और उसको पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वह इतना ताकतवर होती है कि कुछ जवान को मार डालती है और दूसरे जगह से भागने लगती है, मगर उसे आग दिखाकर रोक लिया जाता है। फिर मूरी हेलीकॉप्टर से उतरकर घोंसले में जाती है और डैन को हेलीकॉप्टर में ही रहने को कहती है। मूरी अंदर जाकर फीमेल स्पाइक को पिंजरे में बंद करने के लिए जवानों की मदद करती है, और वह स्पाइक के पूंछ पर गोली चला देती है, जिससे स्पाइक जोर से चिल्लाती है, और उसकी आवाज सुनकर मेल स्पाइक घोंसले की तरफ चले आते हैं। डैन स्पाइक को आता हुआ देख वह भी घोंसले में चला जाता है, और हम देखते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद फीमेल स्पाइक को पिंजरे में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और घोंसले से निकाल कर ले जाते हैं। इधर मूरी और डैन मिलिट्री जीप में बैठकर स्पाइक को मारते हुए वहां से भाग जाते हैं और एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर उससे पहले मूरी डैन पर कमांड फॉलो न करने की वजह से उस पर गुस्सा हो रही होती है। और इसी बीच मूरी अपनी फैमिली की कहानी बताती है कि डैन मूरी को 12 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, और 14वें साल में डैन इमी को डिवोर्स देता है, और मूरी के 16वें बर्थडे पर डैन का एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो जाती है। यह सुनकर डैन को विश्वास नहीं होता। फिर मूरी और भी बातें करती है। फिर हम आगे देखते हैं कि फीमेल स्पाइक को सेंसेटिव डिपवेल नाम की जगह पर ले जाया जाता है और वहां एक लैब में रखा जाता है। मूरी उसे हर एक घंटे मेटामॉर्फिम का 180 ग्राम डोज देकर बेहोश रखती है। फिर वहां डैन आता है और मूरी की हेल्प करता है स्पाइक का ब्लड सैंपल लेने में। मूरी स्पाइक के सैंपल से एक ऐसा एंजाइम बनाना चाहती है जिससे स्पाइक के जहर प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ा जा सके, या कहो कि वह एंजाइम स्पाइक के लिए जहर का काम करेगी। फिर हम देखते हैं कि मूरी एंजाइम बनाना शुरू करती है और स्पाइक के खून को टेस्ट करके बॉन्ड क्रिएट करने में लग जाती है। रात भर काम करने के बाद मूरी 52% तक बॉन्ड क्रिएट करने में सफल हो जाती है। तभी वहां डैन पहुंचता है और मूरी को आराम करने के लिए कहता है, मगर मूरी अपना काम नहीं छोड़ती। फिर डैन मूरी को खुद को लाने का मकसद पूछता है। इस पर मूरी जवाब देती है कि वह इस जहर को लेकर डैन से अपने टाइमलाइन में जाने को कहती है और जहर को बड़ी क्वांटिटी में बनाकर तबाही शुरू होने से पहले खत्म करने की बात करती है। और इस काम को करने के लिए मूरी को सिर्फ डैन पर भरोसा होता है, क्योंकि डैन उसका पिता होता है। तभी हम देखते हैं कि एंजाइम का 100% बॉन्ड तैयार हो जाता है और इधर फीमेल स्पाइक को भी होश आ जाता है और वह जोर से चिल्लाने लगती है। और हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में स्पाइक डीपवेल पर हमला कर देते हैं और वहां की सुरक्षा को तोड़कर अंदर आ रहे होते हैं। स्पाइक को आता हुआ देख मूरी डैन को एक फौरन वापस भेजने के लिए तैयार करती है और दोनों जंपलिंग की तरफ भागते हैं, मगर भागने के दौरान दोनों को व्हाइट स्पाइक से मुठभेड़ हो जाता है और इस बीच मूरी स्पाइक के वार से घायल हो जाती है। मूरी को देखकर डैन उसकी मदद करने जाता है, मगर वहां एक और स्पाइक पहुंचकर मूरी को नीचे खींच लेता है। मूरी को नीचे गिरता देख डैन भी कूद जाता है, मगर डैन का वक्त खत्म होने की वजह से वह वापस अपने टाइमलाइन में आ जाता है। अपनी टाइमलाइन में लौटने के बाद डैन नींद में ही एंजाइम की सीसी ढूंढ रहा होता है और लेफ्टिनेंट डार्ट को बड़े पैमाने पर बनाकर फ्यूचर में भेजने को कहता है, पर डार्ट बोलते कि फ्यूचर से उसका सारा कनेक्शन खत्म हो गया है। फिर डैन अपने घर जाकर मूरी और इमी से मिलता है। रात होने पर डैन मूरी के पास बैठा होता है, तभी वहां इमी आती है। फिर डैन इमी को फ्यूचर की मूरी के बारे में बताता है कि मूरी उस समय में एक साइंटिस्ट थी और उसे दुनिया को बचाने का जुनून सवार था, और उसके बनाए हुए जहर के बारे में भी बताता है। फिर दोनों एलियन के धरती पर आने का प्रमाण के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में डैन को एलियन के आने का क्लू समझ में आता है कि एलियन किस तरह धरती पर आए हैं। फिर डैन अगली सुबह होने पर उसके टीम का मेंबर डोरियन के पास जाता है और उसे एक बार फिर दुनिया को बचाने की बात करता है और उसे स्पाइक के पंजे को मांगता है। आगे हम देखते हैं कि डैन और डोरियन चार्ली से मिलते हैं। चार्ली उस पंजे को माइक्रोस्कोप से देखता है और पता लगाता है कि उस पंजे में मिले अवशेष एक वोल्केनो रॉक का है, जो चाइना के आसपास के वोल्केनो का है।
मर्डन इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं होता और ज्वालामुखी के जानकार से इस सवाल का जानकारी लेने की सोचता है। तभी डैन को अपने स्टूडेंट मार्टिन की याद आती है और वह उससे सवाल पूछने के लिए पहुंच जाता है। मार्टिन बताता है कि 1946 एडी में एक बड़ा वोल्केनो विस्फोट हुआ था जिसका राख आधी दुनिया पर फैल गया था और वह राख अभी भी रशिया के बर्फ में ढकी है। फिर डैन मार्टिन से रशिया में मिलने वाली ऐसी ही जगह के बारे में पूछता है। मार्टिन पीसी से सर्च करके रशिया का वह ग्लेशियर बताता है जहाँ वोल्केनो का वह राख मिल सकता है। मार्टिन का जवाब सुनकर डैन और चार्ली समझ जाते हैं कि वह एलियन हजारों साल से बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं और ऊपर आने के लिए बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। इस जानकारी को पाकर डैन रशिया जाने की सोचता है और वह आर्मी सेक्रेटरी से मिलता है और रशिया जाने की खर्च उठाने को कहता है, मगर वह सेक्रेटरी साफ साफ मना कर देता है। फिर डैन रशिया जाने के लिए अपने डैड जेम्स के पास जाता है। वहां जाने के बाद डैन जेम्स को सारा सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन बताता है। फिर जेम्स डैन की बात मानकर एक प्लेन को तैयार करता है। डैन का साथ देने के लेफ्टिनेंट डार्ट और उसके कुछ साथी आते हैं। फिर सभी लोग रशिया के ग्लेशियर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रशिया के ग्लेशियर पहुंचने के बाद मिलो तक उस स्पेसशिप को ढूंढते हैं और इसी दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक पल्स महसूस होता है। वह सभी वहां उतर के एक धमाका करते हैं और उस जगह की छानबीन करते हैं और फिर उन्हें वह एलियन स्पेसशिप मिल जाता है। शिप के अंदर वह व्हाइट स्पाइक को ढूंढ लेते हैं और उनमें मूरी की खोजी हुई जहर इंजेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वह जहर स्पाइक पर काम कर जाता है। मगर अगले स्पाइक को मारने से पहले सभी स्पाइक अपनी ककून से बाहर आ जाते हैं और कुछ फीमेल स्पाइक शिप से बाहर चली जाती है जिसे बाहर चार्ली और जेम्स संभालते हैं। शिप के अंदर हम देखते हैं कि व्हाइट स्पाइक की पूरी बस्ती वहां होती है जिसे देखकर डोरियन पूरे शिप को उड़ाने की सोच लेता है। इधर डैन निकले हुए स्पाइक को मारने के लिए शिप से बाहर आता है और हम देखते हैं कि शिप से बाहर आते ही डोरियन पूरे शिप को उड़ा देता है जिससे पूरे स्पाइक मारे जाते हैं, मगर अभी भी एक स्पाइक बाहर घूम रही होती है। उस आखिरी स्पाइक को मारने के लिए डैन और जेम्स उसे फंसाते हैं और उस पर गोलियों की बारिश करते हैं, मगर वह स्पाइक उनसे नहीं संभल रही होती है। फिर दोनों मिलकर स्पाइक पर हमला करते हैं और उसकी आंखें फोड़ डालते हैं और अंत में डैन उस जहर को स्पाइक के मुंह में डालता है और वह खाड़े में गिरकर मर जाती है और इसी के साथ सारे स्पाइक का यही खात्मा हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि डैन अपने घर पहुंचता है और अपनी फैमिली से मिलता है और अपनी बेटी मूरी को अपने डैड जेम्स से मिलाता है और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो यह थी मूवी द टुमारो वार की रिव्यू। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।